बुद्ध ने जब धम्म चक्र की शुरुआत करी और वह वाराणसी की तरफ निकले, तो उसके बाद वह उरवेल में कुछ जटाधारी तपस्वियों से मिले जो जटिल कहलाते थे। काश्यप उनका मुखिया था। वह आग की पूजा किया करता था, अग्नि पूजक था, और उसके पास एक भयानक सर्प भी था। काश्यप कहते हैं कि उन दिनों में जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध था, पूरे जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध था, और सबसे बड़ा विद्वान और धर्म के बारे में उसकी जानकारी, उसका बोलना बहुत ही विलक्षण था, बहुत अधिकार से बोलता था। तथागत उरवेल के काश्यप के पास पहुंचे और काश्यप से कहा, एक रात मुझे अपने उस कमरे में रहने दो जहां तुम्हारी यज्ञाग्नि प्रज्वलित रहती है। वह यज्ञ किया करता था और वह कहते हैं कि वह यज्ञाग्नि जलती ही रहती थी और उस कमरे में किसी और को कभी प्रवेश उसने करने भी नहीं दिया। लेकिन बुद्ध के कहने पर काश्यप सोचने पर मजबूर हो गया। उसने मन ही मन में कहा कि यह शाक्य मुनि है, यदि यह उस कमरे में एक रात रहा जहां यज्ञाग्नि रहती है, तो वहां जो नागराज रहता है वह इसे डस लेगा और यह मर जाएगा, और प्रकट रूप से कहा कि मुझे तुम्हारे उस कमरे में रहने में, जिसमें यज्ञाग्नि प्रज्वलित रहती है, कोई आपत्ति नहीं, उसने बुद्ध से कहा, लेकिन वहां जो सर्फ रहता है वह तुम्हें डस लेगा और तुम विनाश को प्राप्त हो जाओगे। जब तथागत ने और अधिक आग्रह किया तो जिस कमरे में यज्ञाग्नि रहती थी, जटिल काश्यप ने उसी कमरे में रहने की अनुमति दे दी। कहते हैं कि बुद्ध पूरी रात अपनी स्मृति को बनाए रखते हुए पलथी मारकर बैठे रहे। रात को नागराज बुद्ध के समीप आया और अपने भयानक फन से आग उगलते हुए उसने सारे कमरे को जहरीली हवा से भर दिया। तो भी वह तथागत को तनिक भी हानि न पहुंचा सका। अपनी क्रोधाग्नि में वह स्वयं ही जलकर मर गया। जब काश्यप ने उस कमरे में अग्नि की ज्वाला को बाहर निकलते देखा तो सोचा, इसमें कोई संदेह नहीं कि तथागत का व्यक्तित्व सुंदर था, लेकिन नागराज ने उनका अंत कर दिया होगा। प्रातःकाल तथागत ने नागराज की मृत देह जटिल काश्यप को दिखाई और कहा कि मेरी आग ने उसकी आग को बुझा दिया। काश्यप, मेरी आग ने उसकी आग को बुझा दिया। काश्यप ने सोचा, निसंदेह शाक्य मुनि महान है, उनमें रिद्धि बल भी है, किंतु तो भी वह उसकी तरह पवित्र नहीं। उसके मन में अहंकार आ गया। उन्हीं दिनों वहां एक उत्सव होने को था। काश्यप सोचने लगा कि शाक्य मुनि का व्यक्तित्व आकर्षक है, यदि शाक्य मुनि भी उस उत्सव में सम्मिलित हुए तो लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। अच्छा हो यदि शाक्य मुनि उस उत्सव में सम्मिलित न हो। उसके मन में ईर्ष्या घर कर गई थी। जब उत्सव का दिन आया, काश्यप के यहां शाक्य मुनि आए ही नहीं। दूसरे दिन जटिल काश्यप स्वयं बुद्ध के पास पहुंचा और बात बनाते हुए कहने लगा
कि आप उत्सव के दिन क्यों नहीं आई? तथागत ने कहा, काश्यप, क्या तू मन ही मन यह नहीं सोच रहा था कि अच्छा ही हो कि शाक्य मुनि उत्सव में सम्मिलित ही न हो? काश्यप को आश्चर्य हो गया और उसने कहा कि निश्चय शाक्य मुनि महान है, वह मेरे मन की छिपी हुई बात तक जान लेते हैं, लेकिन तो भी वह मेरे समान पवित्र नहीं। अभी भी उसके अंदर अहम भाव, मैं भाव, आत्मभाव बना हुआ है। और तथागत ने काश्यप को कहा, तुम्हें सत्य दिखाई देता है लेकिन ईर्ष्या के कारण तुम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। क्या ईर्ष्या करना पवित्रता है? तुम में व्याप्त ईर्ष्या आत्मदृष्टि का अंतिम अवशेष है। काश्यप, तुम पवित्र नहीं हो। अभी तो तुम सन्मार्ग पर चल ही नहीं रहे हो। अब काश्यप का विरोध जाता रहा। उसके मन में जो ईर्ष्या घर कर गई थी वह भी जाती रही। उसने तथागत को विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया और कहा, भगवान, आप मुझे प्रवर्जित करें, मुझे उपसंपदा मिले, मुझे दीक्षा ग्रहण करने की अनुकंपा करें। तथागत ने कहा, काश्यप, तुम एक बहुत बड़े समुदाय के मुखिया हो, जटिलों के मुखिया हो, जाओ और पहले अपने अनुयायियों को सूचित कर दो कि तुम क्या करने जा रहे हो और उन्हें जो कुछ करना चाहें वो उनको स्वतंत्रता दे दो। तब काश्यप अपने समुदाय के सभी लोगों के पास, अपने अनुयायियों के पास गया जो जटिल कहे जाते थे, जटिलों के पास गया और कहा, मैं तथागत के अधीन रहकर श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। वे भगवान हैं, अहर्त हैं, तुम जो मार्ग ग्रहण करना चाहो उस पर चलने के लिए तुम स्वतंत्र हो। लेकिन काश्यप के अनुयायियों का उत्तर था कि हमारे मन में शाक्य मुनि के प्रति बहुत श्रद्धा है, यदि तुम उनको उनका शिष्यत्व ग्रहण करना चाहते हो तो हम भी करेंगे। उर्वेल कहते हैं कि उर्वेल के सभी जटिलों ने यज्ञ आदि करने की सारी सामग्री नदी में फेंक दी और तथागत की शरण में जा पहुंचे। उर्वेल काश्यप के दो भाई थे, नदी काश्यप और गया काश्यप। वे भी बड़े शक्ति संपन्न थे और नदी के नीचे की ओर रहते थे। जब उन्होंने देखा कि यज्ञ सामग्री नदी में नीचे की ओर बहती चली आ रही है तो सोचा, हमारे भाई को कुछ हो तो नहीं गया। अपनी शिष्य मंडली के साथ वे उर्वेल आए और जब उन्हें पता लगा कि क्या घटना घटी है तो वह भी तथागत की शरण में पहुंच गए। वह भी तथागत के दर्शन करने के लिए तथागत के पास पहुंच गए और जब तथागत ने देखा कि कठोर तपस्या में रत और यज्ञाग्नि की पूजा करने वाले नदी काश्यप और गया काश्यप नाम के जटिल भी उनके पास चले आ रहे हैं तो उन्होंने अग्नि को लेकर ही प्रवचन करना आरंभ कर दिया। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, सभी कुछ जल रहा है, आंखें जल रही हैं, आंख के विषय जल रहे हैं, सभी इंद्रियां जल रही हैं, सभी इंद्रियों के विषय जल रहे हैं, मन जल रहा है, मन के विषय जल रहे हैं, सभी कुछ कामाग्नि के वशीभूत होकर जल रहा है। और भिक्षुओं, जब तक क्रोध रहेगा, जब तक अविद्या रहेगी, जब तक अज्ञान रहेगा, जब तक परस्पर की घृणा रहेगी, तब तक आग को कुछ न कुछ जलावान मिलता ही रहेगा, इसको ईंधन मिलता ही रहेगा और आग जलती ही रहेगी और उसके परिणाम स्वरूप जन्म, जरा, व्याधि, मरण, दुख, रोना धोना सभी कुछ चलता ही रहेगा।
इस सब का विचार करने वाला शाक्य पुत्र चार आर्य सत्यों का अब बोध प्राप्त करेगा। वह अपनी आंखों की ओर से विमुख हो जाएगा, अपनी इंद्रियों की ओर से विमुख हो जाएगा, अपने विचारों की ओर से विमुख हो जाएगा। वह उत्तेजनाओं को जीत लेगा और स्वतंत्र हो जाएगा। वह आत्मार्थ से मुक्त हो जाएगा और निर्वाण का साक्षात कर लेगा। यह सुनकर, यह प्रवचन सुनकर सभी जटिल प्रसन्न हो गए, आह्लादित हो गए और उन्होंने बुद्ध की, धर्म की, संघ की शरण ग्रहण कर ली। हमें भी बुद्ध के प्रवचनों से और इन बुद्ध की जातक कथाओं से विचार अपने अंदर पैदा करना चाहिए, अपने अंदर उस भाव को जगा कर रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ध्यान साधना में लगना चाहिए। यही इस जीवन का उद्देश्य है।